पेटर रन केस में नाबालिग आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ आज जो है वो सुनवाई हुई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से मुख्य तौर पर यह कहा गया था कि जो नाबालिग आरोपी है उसकी जमानत रद्द की जाए। देखिए, आज पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन मूव हुआ था, रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया था। उस एप्लीकेशन में पुलिस ने यह रिक्वेस्ट की थी ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कि जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ है, उनको जो जमानत दी गई थी 19 मई 2024 को, उसको मॉडिफाई करके एक रिहैब होम में उसको शिफ्ट किया जाए। उस एप्लीकेशन पे बहस हुई, हमने भी हमारा जो कहना था दलीलें हमने रखी। उसके बाद ऑनरेबल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह डिसाइड किया हुआ है कि इस चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को 5 जून 2024 तक एक रिहैब होम में रखा जाए, रिमांड होम में भेजा गया है। क्या इस दौरान पुलिस उससे आकर पूछताछ कर सकती है, इसको लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? पुलिस को अगर पूछताछ करनी है तो कानून ये कहता है कि उनको आके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की परमिशन लेनी होगी। उस परमिशन के बाद बोर्ड का डिस्क्रिशन है उसको अलाउ करना या नॉट अलाउ करना। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। देखिए, एक रिव्यू एप्लीकेशन मुख्य तौर पे इसलिए भी फाइल की गई थी कि उसको एज एन एडल्ट कंसिडर किया जाए। उस मामले में सर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ दलीलें दी गई दोनों तरफ के? देखिए, दो अलग एप्लीकेशन थे। रिव्यू एप्लीकेशन एक बहुत ही अलग चीज़ है जो मॉडिफाइड थी बेल कंडीशन, और ये जो आप बात कह रहे हो कि उसको एक एडल्ट करके ट्रीट किया जाए, एक दूसरा एप्लीकेशन है, एक सेपरेट एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन सुनने के लिए जो प्रोविजन है कानून में, उसके लिए कम से कम 2 या 3 महीने लगते हैं। किसी भी नाबालिग को, मतलब किसी भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को अरेस्ट जब होती है या उसके खिलाफ कोई एफ आई आर होती है, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हिसाब से सबसे पहले 30 डेज में चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ पीछे ही रहे, डिटेंशन होम में रहे, उसका तो बाहर आ सकता है। और 2 महीने तक उसका कंडक्ट मॉनिटर किया जाता है, उसके ऊपर कंप्लायंस रिपोर्ट्स फाइल होंगे। वो जो कंप्लायंस रिपोर्ट्स है उस बेसिस पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करेगा कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को एक एडल्ट करके ट्रीट करना है या माइनर करके ट्रीट करना है। सर, एक अंतिम सवाल है, चूंकि रिमांड होम में रखा गया है अगले 14 दिनों के लिए, क्या कुछ फैमिली मेंबर्स उससे मिल सकते हैं, कानूनी सलाहकार क्या कुछ कहते हैं, आप लोगों से कुछ बातचीत हुई है फैमिली मेंबर्स को मिलने को लेकर? देखिए, हर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन लॉ को पूरे स्कीम ऑफ एक्ट में प्रोविजन है जो मैंडेटरी है नेचर में, कि जब वो एक रिहैब होम में हो तो हफ्ते में 2 बार 1 घंटे के लिए अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स को मिल सकता है। ये प्रोविजन कानून में है, उस हिसाब से डायरेक्शन दिए गए। तो ये पुणे हिट एंड रन केस में नाबालिग आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल को आप सुन रहे थे। इनका खास तौर पे ये कहना था कि आज 2 तरह की एप्लीकेशन मूव की गई थी पुलिस की तरफ से। पहला ये एप्लीकेशन मूव किया गया था कि उसको एडल्ट, यानी कि नाबालिग को एडल्ट कंसिडर किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, एक वो। दूसरा जो है उसको लेकर यह कहा गया कि रिमांड होम में उसको भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता है। तो 2 तरह की एप्लीकेशन जो है वो फाइल की गई थी। इसमें जमानत को लेकर पुलिस ने जो है कई सवाल उठाए थे। तो वकील का यह कहना है प्रशांत पाटिल का कि जो ऑनरेबल कोर्ट है उसने अभी जो आरोपी है नाबालिग आरोपी उसको रिमांड होम में भेज दिया है, और वही दूसरी तरफ एडल्ट कंसिडर किए जाना है कि नहीं किए नहीं करना है उसको, उसकी एक लंबी प्रोसीजर होती है, करीब उसमें कम से कम 90 दिन का समय लगता है। इस दौरान अगर आरोपी के परिजन उससे मिलना चाहते हैं तो उनको जो है वो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर पुलिस नाबालिग आरोपी से पूछताछ करना चाहती है तो सीधे तौर पर उससे पूछताछ नहीं कर सकती है, इसके लिए भी उन्हें पुलिस की परमिशन, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कैमरामैन अनिल संगारे के साथ कृष्णा ठाकुर, पुणे।